आज सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में आज पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सभी जिला प्रभारी, प्रशिक्षक तथा सभी अनुषंगी इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश स्तरीय संयोजक शामिल हुए। बैठक में सुदेश महतो ने साफ कर दिया कि 2022 संघर्ष का वर्ष होगा, सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाएंगे। आज सु पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि किसी भी सरकार की नीति, नियत, कामकाज के तौर तरीके और चुनाव से पहले घोषणा पत्रों के जरिए जनता से किए वादे को परखने के लिए 2 साल कम नहीं होते। 2 साल में हेमंत सोरेन कितने कदम चली है और सरकार की मंशा क्या है, आज सु पार्टी जनता को ये बताने का काम करेगी। आज सु पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने आज हरमू रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित जिला प्रभारियों, प्रशिक्षक तथा सभी अनुषंगी इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश स्तरीय संयोजक के साथ बैठक में ये बातें कही कि सभी अनुषंगी इकाई का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही साथ जो पंचायत स्तरीय जितने पदाधिकारी बने हैं, दिसंबर 7 तारीख तक प्रदेश स्तरीय माने जोनल स्तरीय, परमंडल स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती पर जोर देते हुए आज सु पार्टी ने एक बार फिर पंचायत चुनाव के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा। आज सु ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव टालकर पंचायती राज व्यवस्था की अहमियत को खत्म करने में लगी है। आज सु ने 2022 को संघर्ष का वर्ष बताया है। इस वर्ष को निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया है और अगले वर्ष को संघर्ष के वर्ष के रूप में पार्टी ने तय किया। आज सु ने तय किए भावी कार्यक्रम, 7 दिसंबर से पहले पंचायत स्तर तक चुने हुए पदाधिकारियों का प्रमंडल अनुसार शपथ ग्रहण समारोह, सभी अनुषंगी इकाइयों के पदाधिकारियों से प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की तैयारी करने का निर्देश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन, सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करने का पार्टी सुप्रीमो ने दिया निर्देश। न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।